गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रैक्टिस चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है, डेट शीट आ चुका है। अब आप लोग तैयार हो जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ। देखो दोस्तों, 27 फरवरी को इंग्लिश है और 4 मार्च को साइंस है और 6 मार्च को होम साइंस, 11 मार्च को संस्कृत, 13 मार्च को कंप्यूटर और 15 मार्च को SST और 17 मार्च को हिंदी। हिंदी दो तरह का होता है ना, ए और बी होता है। तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बी होता है और जो सरकारी पढ़ते हैं उनको ए होता है। किसी स्कूल में ए बी दोनों होते हैं। और 21 मार्च को मैथ। तो दोस्तों, आपको शेड्यूल कैसे तैयार करना है, आज से यानी कि 27 फरवरी को पेपर चालू होने वाला है, यानी 27 फरवरी 27 दिन और जनवरी का आपका हो गया 31। तो 31 और 27 कितना होगा माय डियर, 58। ठीक है, तो 58 दोस्तों 6 किताब होते हैं, तो यानी कि 9 दिन एक किताब को पढ़ रहा है। आप किस तरह तैयारी करेंगे आप, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक किताब पे आपको 9 दिन समय देना है। आपको कैसे करना है ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। कल ट्वेल्थ चलते हैं। 20 फरवरी को हिंदी, 24 फरवरी को इंग्लिश स्टार्टिंग है और उसके बाद 28 फरवरी को केमिस्ट्री और इसके बाद 2 मार्च को ज्योग्राफी, 20 मार्च को पॉलिटिकल साइंस, 6 मार्च को फिजिक्स साइंस वालों का भी है, 11 मार्च को मैथ है दोस्तों, है ना मैथ। और 10th को भी देखो मैथ यहां पर मिल रहा है 21 मार्च, ओके। और इसके बाद 13 मार्च को फिजिकल एजुकेशन जो कॉमर्स आर्ट्स दोनों में होते हैं, और 16 मार्च को बायोलॉजी, 17 मार्च को इकोनॉमिक्स, 31 मार्च को अकाउंटेंसी कॉमर्स वालों के लिए और 1 अप्रैल को होम साइंस और 3 मार्च को सोशियोलॉजी और 29 मार्च को हिस्ट्री। दोस्तों ये शेड्यूल है, आपको कैसे पढ़ना है अब देख लो। यहाँ पे आप इंग्लिश की तैयारी करो, 5 दिन पहले चालू कर दो, यानी 22 फरवरी से चालू कर दो, इंग्लिश का तैयारी हो जाएगी आपकी 22 फरवरी से। और यहाँ गैपिंग देखिए, साइंस में गैपिंग आ गया आपका 1 दिन और 5 दिन। दोस्तों 15 पार्ट हैं टोटल, तो 15 पार्ट में से टोटल अगर दोस्तों 3-3 पार्ट भी अगर करते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपसे नहीं हो रहा आपसे याद साइंस में, अगर तो आप साइंस में ज़्यादा चैप्टर ना करें, आप 6, 7, 8, 9 और इसके बाद दोस्तों कर लें 15। ठीक है, ए आप पास होने लायक है, टोटल ए 35 नंबर का है, ओके। घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत रखिए। अब हम चलते हैं संस्कृत में। तो दोस्तों संस्कृत में व्याकरण अगर हम आपको डाल देंगे चैनल पे, उसको आप लिंक पे जाकर आप शेयर कर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। अब आते हैं कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर तो दोस्तों देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मैथ का टीचर हूँ लेकिन प्रयास करूँगा। और SST में हिस्ट्री में आप 1 चैप्टर और 2 चैप्टर ये दोनों देख लो, पास हो जाओगे। और ज्योग्राफी में 1 और 5, ओके। और इको में 1 और 3 और सिविक्स में 1 और 3 कर लो, पास हो जाओगे। और मैथ में दोस्तों अगर देखिए, आजकल बच्चे को 10th में मैथ में ज़्यादा हार्ड पड़ता है, तो मैथ में क्या करिए आप, मैथ में चैप्टर अगर पास होना है आपको, सिर्फ पास होना है तो देख लो 1 चैप्टर बढ़िया से करना, 10, 2, 14, 15 और 6 इसको आप पूरा कर लीजिए, 1, 10, 2, 14 और 6 इसको अभ्यास कर लीजिए, ओके। और इसी तरह से हम बताएंगे आपको। अब देखिए दोस्तों, और बाकी जो आर्ट्स के जितने बच्चे हैं आर्ट्स वाले, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी जो है ना दोस्तों, एक्चुअली मैं साइंस के टीचर हूँ,
मान मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ बता सकता हूँ कि जो मैथ की जो सिलेबस है, जो भी बच्चे ट्वेल्थ के मैथ में ले चुके हैं मैथ में, ज्यादा नहीं टेंशन रखें, 1 2 3 4 फर्स्ट बुक में देख लो, सेकंड बुक में प्रोबेबिलिटी का देख लेना, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी और एक चैप्टर 5 देख लेना, 1 2 3 4 5 और लास्ट का प्रोबेबिलिटी है ना, लास्ट प्राइस दोस्तों प्रोबेबिलिटी है, राइट समझ गया समय। तो ये आप पास होने लायक चैप्टर है। तो दोस्तों हम और भी शेड्यूल बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है कि पेपर की तैयारी हो जाए, फेल नहीं होंगे आप। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अधिक से अधिक, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।